हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 11:30। तो देखिए, मेरा बन रहा है यहाँ पर खाना। तो आज मैंने बनाया है चने का साग, जो चने की भाजी बोलते हैं इधर पे, तो हमारे कानपुर साइड में तो चने का साग ही बोलते हैं। तो कुल मिला के आज मैं भी बना ले रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ड्यूटी गए थे बहुत दूर, तो वहीं से लेकर के आए हैं। तो इसमें देखिए, मैंने लहसुन, थोड़ा सा अदरक और मिर्च कूट के इस तरह से डाला है, तो जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और एक साइड में बन रही है मेरी रबड़ी, जो कि हम शाम को खाने वाले हैं, क्योंकि गैस खाली थी तो मैंने कहा इसको चढ़ा देती हूँ, तब तक बनेगी धीरे धीरे। तो धीमी धीमी आज में बनेगी। और दूध थोड़ा बच गया था, बच्चे पी नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो दूसरे तरीके से ही बच्चों को खिला देंगे। और क्योंकि अभी हमारे जो घर के पास में ही चल रहे हैं, और मतलब राम कथा चल रही है, जिसका लुफ्त हम लोग रोज़ ही उठाते हैं, तो 3:30 तक हम लोग घर से चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत शाम की भी तैयारी मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चने का साग जो है हमारा बन चुका है और सभी खाना खाने के लिए तैयार है। सब नहाना धोना सबका सब कुछ हो चुका है। किचन थोड़ी फैली हुई आपको लगेगी, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। तो जब भी खाना हम बनाए या आप बनाए, तो किचन थोड़ी फैल ही जाती है, फिर उसको एक साथ सब कुछ उठाया जाता है। और साथ में है यहाँ पर सलाद, तो मूली वगैरह ना चने के साग के साथ बहुत ज्यादा अच्छी। तो आज ना जो राम कथा हो रही है, वहां पर राजा राम जी का जन्म होने वाला है, हमारे रामलला आज प्रकट होने वाले हैं, तो उसका लुफ्त उठाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं वहां। मैं बच्चों को अभी नहीं ले जाऊंगी, बच्चे थोड़ा लेट जाएंगे। कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरो नैना नृत्य करेंगे। आइए हमारे राहुल जी से जुड़िए और सभी लोग भगवान रामलला आ चुके हैं, उनके नृत्य उत्सव में भाग लें। बोलिए रामलला सरकार की जय। नाचो गाओ, जय हो, मनाओ, खड़े हो जाए सभी लोग जिनको नृत्य करना, जिनको Thank you.
बस आरती आरती ख़त्म होने के बाद आ गए थे हम लोग घर। और वो भैया जो भजन गाते हैं ना, इतना ज़्यादा सुंदर भजन गाते हैं कि कथा से उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता वहीं बैठे रहो बस। तो बस घर पर आने के बाद मैंने बनाई है पूड़ी, आटा वाटा लगा के गई थी और सुबह रबड़ी बनाई थी, आप सब ने देखा था। तो कुल मिला के आज शाम को हमारे यहाँ रबड़ी पूड़ी खाने वाले हैं और मेरे पतिदेव को ना बहुत ज़्यादा पसंद है खीर पूड़ी या फिर रबड़ी पूड़ी। तो अचार मैंने रख दिया ना, तो मुझे चिल्ला रहे थे कि नहीं रबड़ी के साथ अचार नहीं खा सकते, इसको हटा लो। तो मैंने कहा मैं खा लूँगी, तुम मत खाओ। और उसके बाद हम लोग सब काम ख़त्म करने के बाद सो गए थे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम बज रहा है अभी लगभग 8:30-9:30 बज रहे हैं। तो यहाँ काव्या कर रही है पूजा और मेरा जो झाड़ू पोछा सब हो चुका है। मैं चली गई थी, जाऊँगी नहाने। तो अभी तो वैसे वीडियो मैं ही बना रही हूँ, मैंने कहा अपने कान्हा जी के मैं दर्शन करा दूँ। आप लोग बहुत दिन से हमारे कान्हा जी से मिले नहीं थे, तो देखिए किस तरह ठंड में कान्हा जी, ठंड बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ कान्हा जी को मैंने वस्त्र धारण करा दिए थे। मैंने कहा हल्की हल्की ठंड भी लग गई मेरे कान्हा जी को तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उनको मैंने वस्त्र पहना दिए थे। तो देखिए कैसे टोपा ओपा लगा के बैठे हैं ना, सबका मन मोह लेने वाले हमारे कान्हा जी। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे प्यारे प्यारे ब्लॉग इसी तरह देखते रहें। तो भी आजकल ना मेरे को कोई भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी है था मेरे पास वो मैंने आपके लिए डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ना मैं सीधे राम राम कथा में ही चली जाती हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन उधर ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको भी राम कथा का लुप्त उठा ही दूँ और डे बाय डे जितने मैंने ब्लॉग बनाए हैं वहाँ के सब मैं डालूँगी, तो आप इसी तरह ब्लॉग में